नमस्कार, एमपीलाईपी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह आपके साथ, और आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्रम पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अंतर सिंह आर्य ने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रकाशित वर्ष 2015 के कैलेंडर का विमोचन किया। मंडल के सचिव एसएस दीक्षित और सहायक सचिव दीपा तुली इस अवसर पर उपस्थित थे। कैलेंडर में वर्ष के 12 माह के साथ मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कर्मकार मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिए संचालित योजनाओं को आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रवीण कृष्ण ने गत सप्ताह उज्जैन, सीहोर और रायसेन जिले के स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के रोगियों को समुचित उपचार देने के साथ ही अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने आज हरदा जिले के अस्पतालों का निरीक्षण किया। प्रवीण कृष्ण बुधवार को 31 दिसंबर को होशंगाबाद जिले में स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में वर्ष 2014-15 के दौरान अब तक 44 विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों पर 2,10,000 रुपए का जुर्माना किया है। उल्लेखनीय है कि इस अनूठे कानून में तय समय सीमा में सेवाएं नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों पर 250 से लेकर 5,000 रुपए तक का अर्थदंड किए जाने का प्रावधान है। अकेले नवंबर माह में 4 अधिकारियों पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। राज्य में लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 से लागू है। अधिनियम में राज्य शासन की ओर से विभिन्न विभाग की जन सामान्य को दी जाने वाली सेवाओं को नियमित समय सीमा में प्रदान किया जाता है। इसमें पूर्व से 21 विभाग की 102 सेवाएं अधिसूचित हैं। हाल ही में 26 और सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। नगर निगम भोपाल के निर्वाचन की घोषणा के साथ जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचक अधिकारी निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में राजनीतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली सभा आदि में आतिशबाजी, पटाखे, आवाज करने वाले विस्फोटक आदि को बिना अनुमति के उपयोग करने पर रोक लगा दी है। बारात और चल समारोह में की जाने वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।